प्रो कबड्डी सीजन 10 में कुल 13 मैचेस कंप्लीट हो चुके और अब हम आ चुके हैं बैंगलोर लेग में। वैसे बैंगलोर लेग का स्टार्ट कल से ही हो गया था और आज इस वीडियो में हम टॉप 10 रेडर्स जानने वाले हैं। 13 मैचेस के समाप्ति हो चुकी तो कौन से रेडर यहाँ पे टॉप 10 में आते हैं सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो फटाफट स्टार्ट करते इस वीडियो को। अभी है कबड्डी का माहौल और जब कबड्डी का माहौल है तो अपना टीम आप बना सकते हो। उसी के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छे वेबसाइट गेमिंग वेबसाइट वन विन के बारे में बताना चाहूँगा जहाँ पे आप अपना टीम बना सकते हो और आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके हमारा कोड KS375 को यूज़ करना है और आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके 500% इंस्टेंट बोनस पा सकते हो और अपना टीम बना सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त हमारा कोड यूज़ करना है और विद अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 300 रुपीज़। अब डिपॉजिट कैसे करना है उसका वीडियो बहुत जल्द टेलीग्राम में आ जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो कबड्डी के हर छोटे बड़े अपडेट्स के लिए। तो टॉप 10 रेडर्स पे हम आ जाते हैं। तो नंबर 10 से नंबर 1 तक जाएंगे 13 मैचेस के बाद कौन किस नंबर पोजीशन पे कौन कौन रेडर्स है। सबसे पहले नंबर 10 पे है सचिन तनवर पटना पायरेट्स के, जिनके नाम 2 मैचेस में 18 रेड पॉइंट्स है और 1 सुपर 10 ये अभी तक लगा चुके अपने 2 मुकाबले जो खेले हैं और 9 का एवरेज है इनका। अभी थोड़ा बेहतर खेले है, 1 सुपर 10 ऑलरेडी लगा चुके हैं और पटना पायरेट्स के लिए बेहतर परफॉर्मेंस करे आगे ऐसा उम्मीद है। चलते हैं नंबर 9 पे। तो नंबर 9 पे यहाँ हमें देखने को मिलेंगे गुमन सिंह यू मुंबा के, जिनके नाम 3 मैचेस में 19 रेड पॉइंट्स हैं और 1 सुपर 10 इन्होंने भी लगाया अपने 3 मुकाबलों में जो खेला है इन्होंने। और यू मुंबा के लिए लास्ट सीजन भी खेले थे, इस अभी तक 3 मैचेस में इनका सफ़र यह है कि 19 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया है और 1 सुपर 10 ये लगा चुके, तो एवरेज भी कहीं ना कहीं ठीक है, 6.3 के अराउंड है। अब चलते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 के पायदान पे सुरेंद्र गिल है, जिनके नाम 2 मैचेस में 20 रेड पॉइंट्स है और 1 सुपर 10 ये लगा चुके। अच्छे रेडर है क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस ये करते हैं, जिस कंसिस्टेंसी से यूपी उदास के लिए अच्छा कर रहे और ये अभी अच्छा पोजीशन पे चल रहे, तो ये यहाँ पे सुरेंद्र गिल के बारे में मैंने आपको बताया जो कि नंबर 8 पे। अभी चलते हैं नंबर 7 पे। तो नंबर 7 पे आपको हाई फ्लायर पवन कुमार सहरावत देखने को मिलेंगे जब तेलुगु टाइटन्स में, जिनके नाम अभी तक 2 मैचेस में 21 रेड पॉइंट्स है और 2 मैचेस में दोनों बार इन्होंने सुपर 10 लगाया है टीम के लिए। सुपर 10 तो ये बिल्कुल लगा रहे, अभी तक तेलुगु टाइटन्स ने एक मैच भी नहीं जीता है। उम्मीद है कि टीम भी अच्छा करे, पवन का कंसिस्टेंसी अच्छा रहा, 10.5 का एवरेज है, 2 मैचेस में 21 रेड पॉइंट है तो 10.5 का एवरेज है और दोनों मैचेस में इनके नाम 2 सुपर 10 है। अब चलते हैं नंबर 6 पे। तो नंबर 6 पे है ईरान के मोहम्मद जाफर दनिश फ्रॉम यू मुंबई, जिनके नाम 3 मैचेस में 23 रेड पॉइंट्स है, 23 रेड पॉइंट्स के साथ 1 सुपर 10 भी ये लगा चुके, अभी अच्छा खेल रहे और अच्छा खासा इनका रेडिंग मुझे लगा है 7.6 का एवरेज है और जाफर दनिश अभी अच्छा नंबर 6 पे बने हुए हैं इस लिस्ट पे। नंबर 5 पे यहाँ पे भरत हुड्डा आते हैं बेंगलुरु बुल्स के, जिनका स्टार्ट तो अच्छा नहीं था लेकिन अभी बेहतर कर रहे हैं, 3 मैचेस में 23 रेड पॉइंट्स और इसमें से इन्होंने 1 सुपर 10 जड़ा है। अच्छे रेडर है, बुल्स के लिए लास्ट सीजन भी थे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था, अभी थोड़ा स्टार्ट इनका इतना अच्छा नहीं था लेकिन कल अच्छा खेले थे, उम्मीद है आज बुल्स के लिए अच्छा करे और बुल्स जीते। अब क्योंकि बुल्स का भी एक ड्रीम होगा कि हम होम लेग में ऑफकोर्स अच्छा करें। नंबर 4 पे है जयपुर पिंक पैंथर्स के अर्जुन देसवाल, जिनके नाम 2 मैचेस में 23 रेड पॉइंट्स और 1 सुपर 10 इन्होंने भी लगाया है और एवरेज इनका 11.5 रेड पॉइंट्स का है पर मैच, जो कि बेहतर है, 2 मैचेस में 23 रेड पॉइंट्स, पिछले सीजन के नंबर 1 रेडर है और अच्छे खिलाड़ी है। जयपुर भी एक विन तलाश रही अभी तक, तो देखते कैसा परफॉर्मेंस इस सीजन जयपुर करती है। अर्जुन देसवाल अभी बने हुए हैं नंबर 4 पे। चलते हैं आगे नंबर 3 पे कौन है। नंबर 3 पे यहाँ पे है HS राकेश, हाईली स्किल्ड राकेश फ्रॉम गुजरात जायंट, जिनके नाम 4 मैचेस में 26 रेड पॉइंट्स है, अपने 4 मुकाबले में 1 सुपर 10 लगा चुके, बहुत ही अच्छे रेडर है राकेश संग्रोया और लगातार रिटेन होते हैं क्योंकि अच्छा करते हैं परफॉर्मेंस, पर इस बार ये अभी तक 4 मैचेस खेल चुके, 26 रेड पॉइंट्स है और टीम अच्छा कर रही है, एक मैच अभी हारी है लेकिन राकेश का परफॉर्मेंस बेहतर है। चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हमारे नवीन एक्सप्रेस नवीन कुमार फ्रॉम दबंग दिल्ली, जिनके नाम 2 मैचेस में 26 रेड पॉइंट्स है, 13 का एवरेज है और 2 सुपर 10 ये लगा चुके ऑलरेडी, अब बहुत अच्छे खिलाड़ी नवीन एक्सप्रेस, मतलब दिल्ली के लिए जिस कंसिस्टेंसी से खेलते हैं बहुत अच्छे रेडर है, इस तरीके का इनका स्किल्स है और अभी बेहतर खेल रहे इस सीजन भी, 2 मैचेस में 26 रेड पॉइंट्स है। तो अब बात करते हैं उस रेडर के बारे में जो 13 मैचेस के बाद नंबर 1 पे है। आप थोड़ा शॉक्ड भी होंगे लेकिन एक खुशी भी है, मतलब नंबर 1 पे भी है सोनू जगलान फ्रॉम गुजरात जायंट्स, जिनके नाम 4 मैचेस में 33 रेड पॉइंट्स है और 3 सुपर 10 ये ऑलरेडी लगा चुके हैं, इतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये स्टार्टिंग 7 में अभी तक एक बार भी नहीं खेले, सब्स्टिट्यूट में आते हैं और मैच बदल देते हैं,
जो पहले महेंद्र राजपूत करते थे, लेकिन इनके पास कुछ अलग है। मतलब इस सीज़न ये इस तरीके का प्रिपरेशन करके आए हैं। पिछले सीज़न इंजर्ड हो गए थे, गुजरात इनको 3 सीज़न से रिटेन कर रहा है। पिछले सीज़न इंजरी से बाहर हुए थे, उससे पहले सीज़न बेहतर खेले थे मनप्रीत सर थे, और गुजरात इनको हमेशा इलाइट प्लेयर्स में रिटेन करते। अगर आप रिटेंशन देख लो, ये नंबर 1 पे बने हुए। मैं चाहूँगा कि गुजरात इनको स्टार्टिंग 7 में भी खिला ले। ठीक है, अब नवी बक्स की जगह सोनू जगलान को प्रॉपरली खिला सकते हो, या फिर प्रतीक दहिया में भी, जो भी सीन है, लेकिन ये नंबर 1 पे है। ये बहुत अच्छी बात है गुजरात फैंस के लिए, क्योंकि टॉप 10 में 2 रेडर्स आपके हैं, राकेश और साथ ही में सोनू जगलान, जो कि लीड कर रहे हैं टॉप 10 रेडर्स में अभी आफ्टर 13 मैचेस। तो ये टॉप 10 रेडर्स है 13 मुकाबलों के बाद में। ऐसे कुछ और वीडियोज़ भी आएंगे इस चैनल पर, आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। आज बहुत अच्छे मैचेस होने वाले हैं। आज का पहला मैच जो होगा तेलुगु टाइटंस और यूपी उदास के बीच में, जहां पे एक तरफ हाई फ्लायर और सामने डुबकी किंग प्रदीप नरवाल होंगे, आज का पहला मुकाबला। और दूसरा जो मुकाबला है वो है बेंगलुरु बुल्स जो होम टीम के सामने होंगी हरियाणा स्टीलर्स। दोनों टीम्स जीत तलाश रही है, उम्मीद है दोनों अच्छा खेले और बुल्स फाइनली आई होप सो एक विन मिले बुल्स को, कि अच्छा कर रही है। और रेडर्स चल रहे, डिफेंस थोड़ा और संतुलित होना पड़ेगा, भरत के चलने से नहीं होगा, पूरे रेडिंग यूनिट को चलना होगा। और एक सुशील कर के खिलाड़ी भी अच्छा कर रहा है बुल्स के लिए। तो ये थे टॉप 10 रेडर्स, आपके बेस्ट रेडर। प्लीज़ कमेंट करो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में लिंक है वन विन में, आप किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर करो, प्रोमो कोड यूज़ करो और डिपॉजिट करो, और साथ ही में अपना टीम बनाओ विद अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 300 रुपीज़। तो वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।